मानसरोवर वस्त्रालय। जी हाँ, आपके शहर बेगूसराय में खुल गया एक ही छत के नीचे मेंस, लेडीज, किड्स के लिए सभी तरह के रेडीमेड कपड़े, जैसे साड़ी, लहंगा चुन्नी, गाउन, कोट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, वो भी मार्केट से कम कीमत पर, अप टू 30% डिस्काउंट। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, कुछ लोगों का शिकायत है कि स्मार्ट मीटर में काफी ज्यादा बिल आ रहा है। नहीं, देखिए, स्मार्ट मीटर का जो स्थापन करना है, ऊर्जा विभाग ने जो पिछले दस पंद्रह वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो ऊर्जा विभाग ने काम किया है और पूरे बिहार में जो ऊर्जा के क्षेत्र में जो क्रांति आई है, उसी के क्रम में जो अगला चरण है, इसमें हमारा जो स्मार्ट मीटर का जो पूरा प्रणाली है, हमारा जितना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसके बाद जो उपभोक्ताओं को बिजली मुहैया कराई जाती है, उसका रीडिंग ठीक समय पर हो पाए और स्मार्ट मीटर से हमारा जो बिजली का खपत है उसमें भी बचत हो, हमारा जितना जो ग्रिड और जो फीडर का जो सप्लाई सिस्टम है उसमें भी सुधार हो, इसके लिए स्मार्ट मीटर एक डिजिटल रीडिंग मैकेनिज्म है, जो कि पहले हमारा फिजिकल मोड में जो हमारा मीटर का रीडिंग होता था, अभी हमारा स्मार्ट मीटर से डिजिटल रीडिंग होगा। उसमें एक यह अंतर है कि इसमें प्रीपेड जो है मीटर है, इस प्रकार हम मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं या किसी भी उसमें रिचार्ज करवाते हैं, इसी तरह हमको मीटर का रिचार्ज करवाना है और इसमें हमारा जो भी डेली का खपत होगा, प्रतिदिन का खपत होगा, उपभोक्ता देख पाएंगे उसको, हमारा जो मासिक खपत होगा वो भी उपभोक्ता देख पाएंगे और उसके अनुसार अपना बिजली का खपत भी वो लोग प्लान कर पाएंगे। इसके साथ ही हमारा जो स्मार्ट मीटर के बारे में कुछ तरह के जो भ्रामक प्रचार या भ्रामक तथ्य फैलाया जा रहा है कि जो है मीटर में टैंपरिंग या इसको के चलाया जा रहा है, यह बिल्कुल भ्रामक इस प्रकार की खबरें हैं। मैं सारे जिला के वासियों से, सारे जिला के मीडिया बंधुओं से, हमारे जितने जनप्रतिनिधि उनसे आग्रह करूंगा कि स्मार्ट मीटर की टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ है। हम आने वाले दिनों में हमारे जितने सरकारी कार्यालय हैं, हमारे जितने जनप्रतिनिधि के जो आवास हैं, हमारे जितने अपने पदाधिकारियों के आवास हैं, सबके घरों में, सबके ऑफिस में स्मार्ट मीटर लगेगा। हमारे कई ऑफिस ऐसे भी रहेंगे जहां पर पुराना मीटर भी चलेगा और नया मीटर भी लगेगा, तो हमारे मीडिया के लोग, हमारे जनप्रतिनिधिगण उसको आकर कंपेयर कर सकते हैं, हमारा जो मीटर का रीडिंग है दोनों में सेम आएगा, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा और फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी है और इससे विभाग और हमारे उपभोक्ता दोनों को लाभ। लक्ष्य क्या है सर? लक्ष्य यह है कि हमारा 30 नवंबर 2024 तक हमारे जितने सरकारी कार्यालय, जितने हमारे जनप्रतिनिधिगण, जितने हमारे जिला के गणमान्य व्यक्ति हैं, वहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाया जाए। इसके पश्चात ग्रामीण इलाकों में भी हमारा स्मार्ट मीटर का जो पूरा अधिष्ठापन है वो पूरे चरणों में किया जाएगा और इसको हम लोग चाहेंगे कि आने वाले 6-7 महीनों में, आने वाले फाइनेंशियल इस 31 मार्च 2025 तक इसको हम लोग पूरा करेंगे। किसानों के लिए सर पूर्व से भी मीटर का जो वितरण किया गया था कृषि कार्य के लिए, उसके लिए क्या सेम प्रक्रिया रहेगी या अलग? स्मार्ट मीटर सबके लिए सेम है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे जो कृषि के फीडर हैं वो ऑलरेडी ऊर्जा विभाग की तरफ से बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट पे बिजली मुहैया कराई जाती है। हमारा जो बिजली का जो रेट है उसमें लगभग 6.5 रुपये की सब्सिडी ऊर्जा विभाग द्वारा प्रत्येक यूनिट पे दी जाती है, तो हमारा बिजली के दरों में कोई अंतर नहीं आएगा, बिजली की दरें वही हैं, बस हमारा जो मीटर का रीडिंग का जो टेक्नोलॉजी है, मीटर को पढ़ने की जो पद्धति है, जो मीटर में जो टेक्नोलॉजी और दिखाया जाता है वह चेंज होगा। हमारा जो बिजली के रेट हैं, बिजली का सप्लाई है, वो सारा पहले की तरह दुरुस्त रहेगा और इसके साथ ही हमारे कुछ मीडिया बंधुओं ने यह भी बोला है कि हमारे AE और JE जो हैं बिजली विभाग के, खासकर सहायक और कनीय अभियंता, उनका रिस्पॉन्स टाइम इतना अच्छा नहीं है, वो लोगों का फोन नहीं उठाते हैं, तो हम लोग यही आप लोगों को सब यहाँ पे आग्रह करेंगे कि हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको हम लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे जितने जिला के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो भी अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने आपदा के टाइम में भी, बाढ़ के टाइम देखा होगा कि हमारा जहाँ जहाँ पर बिजली कटा था उसको तुरंत मुहैया कराया गया है, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है, तो आने वाले दिनों में भी हम लोग यह प्रयास करते रहेंगे, हमारे सारे इंजीनियर्स का भी जो परफॉर्मेंस है उसको सुधारेंगे। डिस्काउंट के साथ तो जल्दी से हमारा पता नोट करें। हमारा पता है मानसरोवर वस्त्रालय, स्टेशन रोड नियर डॉक्टर सुशील कुमार, बेगूसराय, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8051775051 और 7903441258।